हाँ, सुप्रभात दोस्तों। मैं आज आपको विजुअल बेसिक्स में कॉमन डायलॉग कंट्रोल के बारे में बता जा रहा हूँ। आपको कैसे करनी है डायलॉग कंट्रोल बॉक्स, उसका प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए विजुअल बेसिक्स को ओपन कर लीजिए, जो आपने इंस्टॉल किया है सिस्टम पे। तो जैसे आप ओपन करेंगे विजुअल बेसिक्स, तो सिमिलर वे आपको क्या करना है, उसी तरीके से स्टैंडर्ड exe सेलेक्ट कर देना है और ओपन पे क्लिक करनी है। जैसे आप ओपन करेंगे, ये फॉर्म विंडो आपका ओपन हो जाएगा। इसको आप थोड़ा बड़ा कर ले, ठीक है। ये फॉर्म को थोड़ा एडजस्ट कर ले, आपको ये सेंटर से दिखेगा इसका आउटपुट। तो ये आपको फॉर्म ओपन हो गई है। अब आपको क्या करनी है, जो डायलॉग कंट्रोल बॉक्स है एक्चुअली वो यूज़ होता है फाइल आपको ओपन करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फाइल प्रिंट करने के लिए, फाइल हेल्प के लिए। तो कैसे करते हैं उसको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पे राइट क्लिक करनी है। कंपोनेंट जो आपका टास्क बार है उस पर आपको, सॉरी, आपका जो टूल बॉक्स है उस पर राइट क्लिक करनी है और कंपोनेंट पे क्लिक करनी है। अब जैसे कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, ये एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप देखेंगे थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉमन कंट्रोल डायलॉग 6.0। इसको सेलेक्ट करना है और इसको अप्लाई करना है और क्लोज कर देना है। आप जैसे अप्लाई और क्लोज करोगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक नया आइकन बन जाएगा जो कि कॉमन डायलॉग कंट्रोल है। तो आपको इसको लेकर आपको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। तो देख रहे हैं, ये जैसे ड्रैग करेगा, करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाती है। हमें क्या करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देनी। नाम हम चेंज कर लेंगे, एक शॉर्ट नेम ले लेंगे CD1, इससे अच्छा रहेगा, बाकी रिमेनिंग रहने देते हैं। अब क्या क्या कमांड हमें करनी है, हमें कमांड चाहिए। तो कमांड के लिए आपको यूज़ करनी होगी कमांड बटन, और कमांड बटन से हम लोग यहाँ पे कमांड बटन ले लेंगे, ठीक है। और इस कमांड बटन का नाम चेंज कर देंगे, तो हम इसका नाम चेंज करेंगे लाइक आपका ओपन, ठीक है। फिर दूसरा कमांड लेंगे, फिर दूसरा कमांड होगा आपका सेव का, उसके बाद हम लोग दूसरा कमांड देंगे फॉन्ट के लिए, तीसरा हम लोग कमांड रखेंगे अपना प्रिंट के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड ले लेंगे जो कि हमारा होगा सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड बटन ले लेंगे जिसमें आपका कलर के लिए होगा, और एक और कमांड ले लेंगे जो हेल्प के लिए होगी। तो ये सारे कमांड जो हैं, ये सारे कमांड ये कॉमन कंट्रोल में, कॉमन डायलॉग कंट्रोल में आती है, और ये प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज़ करना है। तो इसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इस तरीके से पहले आप फॉर्म डिज़ाइन कर ले। जैसे ही फॉर्म डिज़ाइन हो जाए, आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। अब हमें कमांड पे क्लिक करनी है। कमांड क्या करनी है, पहला कमांड, आप नाम चाहे तो आप नाम भी यूज़ कर सकते हैं, इसको रीनेम भी कर सकते हैं। कमांड का नेम ओपन, अब या बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, तो हम इसको ओपन करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप, इसका कोड विंडो जो ओपन हो जाएगा, या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है वहाँ पे आपको कोड विंडो है, डिज़ाइन विंडो है और प्रोजेक्ट फोल्डर एक्सप्लोरर है। अब जैसे कोड विंडो पे ओपन करेंगे व्यू कोड, तो आपको कोड दिखेगा। तो हमें क्या करना है, पहले ओपन के लिए करना है, ठीक है। तो हमने ये ओपन कर लिया, हमारा पहले ओपन के लिए। तो हमने जो मेरा कॉमन डायलॉग कंट्रोल है उसके लिए हमने नाम ले रखा है CD1। तो हम लोग क्या करेंगे, CD1 डॉट, जैसे आप डॉट ओपन करेंगे आपको जो भी प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाएगी। तो हमें क्या करनी है, शो, तो आप देख सकते हैं शो कलर, शो फॉन्ट, शो हेल्प, शो ओपन, शो प्रिंटर, शो शेप, ये सारे कंट्रोल कॉमन डायलॉग कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ओपन के लिए करना है, तो शो शो ओपन, ठीक है। उसके बाद आपको फॉन्ट के लिए करना है, तो फिर डबल क्लिक करें, कोड विंडो में जाए, ठीक उस तरह CD1 डॉट शो फॉन्ट,
तो हमें फॉन्ट के लिए करना है, फॉन्ट हमने दे दिया। फिर अगला हमें करना है प्रिंट के लिए, cd1.showprinter। सो ये प्रिंटर के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेव करने के लिए है, तो cd1.show सेव के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा कलर के लिए है, cd1.showColor देंगे, ये हमारा हो गया। और लास्ट हमारा हेल्प के लिए है, तो हेल्प कमांड जो होती है वो कमांड आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और हेल्प के लिए आपको डिटेल्स देगी। तो ये जितने सारे, ये सारे कॉमन कंट्रोल हैं, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको फाइल ओपन करना है और एक्सेस करना है, उसके बाद आपको उसको सेव भी करना है, तो आप इस तरीके से आप ये कॉमन डायलॉग कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम रन करते हैं प्रोजेक्ट। आप जैसे रन कीजिएगा आपका ओपन हो गया, ठीक है। फॉर्म हमें क्या करना है, ओपन, पहले ओपन पे जैसे आप ओपन कीजिएगा, देखिए फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, ठीक है। हमारा ये ओपन कमांड काम कर गया। तो हमने कोई फंक्शनलिटी इसके लिए नहीं दी है कि ओपन करके फर्दर प्रोसेस क्या होगी उसके लिए, जस्ट हमने एक कॉमन डायलॉग कंट्रोल क्रिएट किया है। अब उसके बाद फॉन्ट, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें फॉन्ट चेंज करने हैं, तो अगर उसके लिए आपको ऐसे कमांड देना पड़ेगा, जैसे आप फॉन्ट पर क्लिक करेंगे आपका फॉन्ट के लिए ये आ जाएगा। आप ओके देंगे तो यहाँ पर कुछ हमने फर्दर प्रोसेस नहीं दिया, इसलिए कुछ आएगा नहीं, हमारा फॉन्ट हो गया। प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पर क्लिक करें, तो प्रिंट करने में तो आप देखिए यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आपने कोई भी प्रोसेस कर लिया, अब उसको सेव करना है, तो हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फाइल नेम देकर आप सेव कर सकते हैं, तो ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक उसी तरह कलर अगर चेंज करना है तो कलर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कलर का ये सारा आ जाएगा। आप कोई भी कलर चेंज करके आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मेन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप हेल्प मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू ओपन होगा, आपके सिस्टम पे जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के साथ ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो रहा है सपोर्ट डॉट माइक्रोसॉफ्ट की साइट, जहाँ पे आपको एरर इन ओपनिंग विंडोज बेस्ड प्रोग्राम, तो आपने जो एरर, अगर एरर आए तो आप यहाँ पे हेल्प के थ्रू आप रेफर कर सकते हैं और आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शनैलिटी काम करती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंट्रोल के लिए। तो आप, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल है। सो धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।